हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो आप प्लान देख रहे हो ये है हमारा 15 फीट 10.5 इंच बाय 80 फीट 11 इंच का प्लान। इसका 15 फीट 10.5 इंच इसका फ्रंट रहेगा और 80 फीट 11 इंच इसकी लंबाई रहेगी। अगर हम इस प्लॉट की स्क्वायर फीट में बात करें तो ये हमारा 1209 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, और अगर हम गज में बात करेंगे तो ये हमारा 134 गज का प्लॉट है। इसका जो फेस डायरेक्शन है वो ईस्ट में रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी अपने घर का नक्शा हमसे बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन पर दिया है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका एक मंजिल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितने कॉलम्स इसमें दिए जाएंगे, कॉलम साइज़ क्या रहेगा, आउटर वॉल इनर वॉल कितनी दी जाएगी, यह सब मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। इस पूरे प्लान के अंदर हमने 2 बेडरूम प्रोवाइड किया है, डाइनिंग एरिया, ओपन किचन दिया है, लिविंग एरिया हमने इसके अंदर प्रोवाइड किया है और पार्किंग एरिया हमने इसके अंदर भी दी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेन एंट्रेंस से। तो यहाँ पर आपको पार्किंग एरिया मिलता है 14 फीट 5 इंच बाय 13 फीट 8 इंच का। फिर यहाँ पर आपको 3 फीट 6 इंच चौड़ी स्टेयर्स मिलती है, तो यहाँ से आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको मिलता है एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम 7 फीट बाय 4 फीट का, जो आपके फैमिली मेम्बर्स और गेस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका वेंटिलेशन यानी कि इसकी स्मेल पास हो सके, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 फीट चौड़ी विंडो प्रोवाइड की है। इसकी जो भी स्मेल होगी वो इसके थ्रू पास आउट हो जाएगी, और ये जो विंडो हमने प्रोवाइड की है तो आपके हमारे लिविंग एरिया में रोशनी बिल्कुल ठीक रहे। तो यहाँ पर आपको मिलता है लिविंग एरिया 14 फीट 5 इंच बाय 13 फीट का, यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलता है। यहाँ पर आपका सोफा सेट आ जाएगा, सामने आपका टीवी आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो भी गेस्ट होंगे वो यहाँ बैठ सकते हैं। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पर आपको मिलता है ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया 14 फीट 5 इंच बाय 11 फीट का, यहाँ पर ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया मिलेगा। यहाँ पर आपकी किचन की स्लैब आ जाएगी और यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल आ जाएगी। अब किचन की स्मेल पास हो सके इसलिए हमने यहाँ पर OTS प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ओपन एरिया दिया है 6 फीट बाय 4 फीट का, यहाँ पर आपको ओपन एरिया मिलता है। तो किचन की जो विंडो होगी वो हमने यहाँ पर दे रखी है, 4 फीट चौड़ी विंडो दी है, तो किचन की स्मेल भी पास हो जाएगी और डाइनिंग एरिया के पूरे पोर्शन में रोशनी बिल्कुल ठीक रहेगी। इस OTS में आने के लिए यहाँ पर हमने डोर प्रोवाइड किए, तो यहाँ पर आपका ये ओपन पोर्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। फिर जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मिलती है 3.5 फीट चौड़ी गैलरी, और यहाँ से आपकी एंट्री होती है, तो यहाँ पर आप आ जाते हो अपने बेडरूम में। तो आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाएगा 10 फीट 7 इंच बाय 13 फीट का, आपको यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम में रोशनी बिल्कुल ठीक रहे इसलिए यहाँ पर हमने 4 फीट चौड़ी विंडो दी है, जो हमारे OTS से ओपन एरिया से कनेक्टेड है, तो हमारे बेडरूम में रोशनी बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा ड्रेसिंग एरिया 4 फीट 3 इंच बाय 4 फीट का, यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया भी मिलेगा। आप चाहो तो इसको टॉयलेट या बाथरूम पोर्शन भी बना सकते हो, या आप चाहो तो इसको छोटा सा स्टोर रूम भी बना सकते हो। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप आ जाते हो अपने मास्टर बेडरूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम में। यह आपका मास्टर बेडरूम है 14 फीट 5 इंच बाय 13 फीट का, यहाँ पर आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। यहाँ पर आपका बेड आएगा, सामने आपका टीवी, इधर वार्डरोब, और वहाँ पर आपके बैठने के 2 सोफे ईजिली आ जाएंगे। इस मास्टर बेडरूम में से हमने डोर प्रोवाइड किया अपने OTS में आने के लिए, तो ये हमारा ओपन पोर्शन रहेगा। ओपन पोर्शन हमने इसलिए दिया है ताकि हमारे बेडरूम में रोशनी वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक रहे। तो यहाँ पर हमने डोर प्रोवाइड किया, यहाँ पर हमारी विंडो आ जाएगी और 6 फीट बाय 5 फीट का यहाँ पर आपको OTS का पोर्शन मिलेगा। फिर इसके साथ आपको मास्टर बेडरूम के साथ आपको मिलता है अटैच टॉयलेट बाथरूम 8 फीट बाय 5 फीट का। 8 फीट बाय 5 फीट का आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। ये थोड़ा सही डायमेंशन, मतलब थोड़ा बड़ा एरिया मिल जाएगा आपको, इसकी स्मेल पास हो सके, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 फीट चौड़ा वेंटिलेशन दिया है, जो हमारे इस वाले OTS से कनेक्टेड है। तो ये था हमारा आज का प्लान 15 फीट 10.5 इंच बाय 80 फीट 11 इंच का। अब इसकी बात कर लेते हैं आउटर वॉल की। तो आउटर वॉल हमने इसमें 9 इंच की प्रोवाइड की है। पार्टीशन वॉल जो हमने दी है इसके अंदर वो हमने 4 इंच की प्रोवाइड की है, और इसके अंदर टोटल कॉलम्स जो हमने दिए हैं वो हमने रखे हैं इसके अंदर 12 कॉलम्स हमने इसके अंदर प्रोवाइड किए हैं। कहीं पर हमने जो कॉलम्स दिया है वो 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम्स दिया है, और कहीं पर जो हमने कॉलम्स दिया है वो 1-2 कॉलम्स हमने ऐसे दिए हैं 9 इंच बाय 18 इंच के कॉलम्स हमने वहाँ प्रोवाइड किया है। अब इसमें बात करते हैं एक मंजिल बनाने की। तो एक मंजिल बनाने में जो लगभग खर्चा आएगा वो 14 से 15 लाख के आसपास आपका एक मंजिल बनकर कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्लान। आशा करते हैं प्लान पसंद आया होगा। अगर प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।